अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग बोले थे ब्रेस्ट कार्सिनोमा, और ब्रेस्ट कार्सिनोमा में जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ट्रीटमेंट है। आपके पास वैसे तो हमेशा एक बहुत ही जनरल और टिपिकल सी बातें आती होती है जो आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि एक फीमेल है जिसके जो फील करिए एक हार्ड फिक्स्ड लंप एंड राइट ब्रेस्ट या लेफ्ट ब्रेस्ट, जो कि या तो वो दो साइजेस देते हैं, या तो 1.8 × 2 सेंटीमीटर मतलब 2 से छोटा साइज देते हैं, या वो 2 से 5 के दरमियान में कोई भी साइज दे देंगे, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो उसके साथ वो कहते हैं कि हमारे पास जो लिम्फ नोड्स हैं वो पैल्पेबल है इन द राइट एक्जिला, एक साइड के एक्जिला में वो लिम्फ नोड्स को पैल्पेबल कराते हैं, और उसके साथ वो कहते हैं कि वो मोबाइल भी है। ठीक है, अब साइज बेशक 1.8 × 2 है या फिर 2 अगर 2:5 है, ये अगर 1.82 है तो जाहिर है हमारे पास बनेगा T1 में, और इतना होगा तो T2 में बनेगा। लेकिन लिम्फ नोड्स जब आपके मोबाइल और पैल्पेबल होते हैं तो हमेशा N1 स्टेज आती है, और N1 स्टेज जब आ जाती है तो आपके पास N1 आपका ग्रेड आता है यहाँ पे, तो स्टेज 2 बनता है कैंसर। तो आपसे वो स्टेज पूछते हैं तो आपने जाहिर लिखना है कि T2N1M0 है या फिर T1N1M0 है, यानी कि स्टेज 2 ही बनती है। तो तकरीबन 99.9% आपके पास जो डायग्नोसिस है वो स्टेज 2 का ही होता है, ना 3-4 देते हैं तो ना वो, बहुत कम होगा तो 3 और 4 दे देंगे, लेकिन 3-4 में वो उस तरह से नहीं पूछ सकते ना आपसे कि ट्रीटमेंट बहुत लंबी क्या है। तो इस वजह से ऐसे तो आपने हमेशा उसका डायग्नोसिस और फिर बताना होता है मैनेजमेंट क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ स्टेज वाइज क्या क्या मैनेजमेंट है। वैसे सबसे पहले होती है स्टेज 0 जो इन-सीटू कार्सिनोमा होता है, डक्टल एंड लोबुलर कार्सिनोमा इन-सीटू। अब इनकी पैथोजेनेसिस को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत उस तरह से नहीं है, शायद वायवा में कोई आपसे पूछे वरना नहीं पूछते होते। लेकिन जो डक्टल कार्सिनोमा इन-सीटू मैंने बताया था कि उसमें सारी जो अपीयरेंस होती है, जैसे मैंने पैथोजेनेसिस में आपको पहले बताया था कि वो डक्ट्स की तरह की होती जाती है, लोब्यूल्स ऑब्लिट्रेट हो जाते हैं क्योंकि ग्रोथ ऑफ द सेल्स होती है, लेकिन जो भी होगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। मतलब ये एपिथीलियम है ना, आपको पता है सारी डक्ट्स और लोब्यूल्स की लाइनिंग एपिथीलियम से, और एपिथीलियम के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो जितने भी नए सेल्स बनते हैं जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ बेसमेंट मेम्ब्रेन से आगे आगे होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं होती, इसलिए उसको कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। कार्सिनोमा इन सीटू का जो डिफरेंशिएटिंग हॉलमार्क यही होता है कि इट नेवर क्रॉसेस द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू होगा तो उसको हमने 3 में डिवाइड किया, लो ग्रेड होगा, इंटरमीडिएट ग्रेड या हाई ग्रेड, डिपेंडिंग अपॉन के साइज उसका कितना और कितना फैला हुआ है। लो ग्रेड कार्सिनोमा को सिर्फ हम ये करते हैं कि जितना एरिया है उसको निकाल देते हैं, यानी सर्जरी में पार्शियल मिस्टेक्टमी करते हैं, कंप्लीट मिस्टेक्टमी नहीं करेंगे, पार्शियल करेंगे, जो एरिया में नजर आएगा कैंसरस है और उसके साथ थोड़ा सा फ्री मार्जिन लेके उसको काट देंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर इंटरमीडिएट ग्रेड होगा तो इसमें भी हमने पार्शियल मिस्टेक्टमी करनी है और बाद में रेडिएशन दे देंगे साथ वाली ब्रेस्ट को, कि रिकरेंस ना हो जाए, तो इसमें भी पार्शियल प्लस रेडिएशन। ठीक है, और हाई होगा तो इसमें हमने कंप्लीट मैस्टेक्टमी करनी होती है, और कभी कभी फॉलोड बाय रेडिएशन भी होता है, मतलब हाई ग्रेड में हमें पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना है। ठीक हो गया जी। अगर हमारे पास आ जाते हैं लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू, लोबुलर कार्सिनोमा में हमने बात की थी कि इसमें आपके लोब्यूल्स का पैटर्न मेंटेन रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी क्रॉस नहीं करते सेल्स, लेकिन सेलुलर ग्रोथ और इन्फिल्ट्रेशन होती है। अब इसकी ट्रीटमेंट प्लान में ये हम लोग कहते हैं कि या तो लाइफ लॉन्ग सर्विलेंस करें पेशेंट को, जिसमें आपके पास लोबुलर कार्सिनोमा है, अगर वो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहे तो लाइफ लॉन्ग सर्विलेंस है, मतलब है कि उसकी रिपीटेड आफ्टर हर कुछ अरसे मेमोग्राफी और हर कुछ अरसे बाद उसका बायोप्सी वगैरह होती है, ताकि पता चलता रहे कि हमारे पास उसका कैंसर बढ़ तो नहीं रहा, कि पर ऐसा तो नहीं कि मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तो मैलिग्नेंसी नहीं है, तो लाइफ लॉन्ग सर्विलेंस। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादातर ये होता है कि पेशेंट्स इतने वो नहीं होते, कॉम्प्लाइंट नहीं होते कि वो बार बार आके अपना टेस्ट करें, तो बेहतर ही होता है कि आप उनको थेरेपी दें। एक थेरेपी का तरीका होता है कि आप प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी कर दें, जिस तरह एंजेलिना जूली की हुई हुई है, जो कि हमारी आपको पता है कि अमेरिकन एक्ट्रेस है, उसको भी BRCA1 म्यूटेशन थी। अगर म्यूटेशन आपको नजर आ जाए और साथ आपको पैटर्न नजर आए कि लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू का पैटर्न डेवलप हो रहा है, इट मीन्स के बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी ये चीज कार्सिनोमा में डेवलप हो सकती है। तो बेहतर है कि प्रोफाइलेक्टिकली ही ब्रेस्ट रिमूव कर दी जाए, दोनों ब्रेस्ट रिमूव करा दी जाती है और उसके बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर ली जाए, तो दैट इज प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी। अगर वो भी नहीं मंजूर तो फिर यू कैन गो फॉर टेमोक्सिफेन। टेमोक्सिफेन इज बेसिकली सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है, सरम इसको कहते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जाके जो आपके पास कैंसर होते हैं ना ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव, हमने पढ़ा था ना ERPR पॉजिटिव कैंसर होते हैं, वो जाके उन कैंसर में हो क्या रहा होता है कि ईस्ट्रोजन जितना स्टिमुलेट कर रहा होता है उतना ही कैंसर ज्यादा ग्रो कर रहा होता है। जब हम टेमोक्सिफेन जैसी ड्रग देते हैं तो ये जाके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देती है और ईस्ट्रोजन एक्ट नहीं कर पाता तो कैंसर की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो ये टेमोक्सिफेन बहुत ज्यादा आपकी ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल होती है, तो ये भी हम दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपकी स्टेज 0 का, जो आपसे बहुत वो MCQ में पूछेगा वरना कभी नहीं पूछेगा। स्टेज 1 और 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे सबसे ज्यादा पूछते होते हैं इन सिनेरियोज। तो इसमें हम दो काम कर सकते हैं, बल्कि इसमें हमने बेसिकली कॉम्बिनेशन लेके जाना होता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी, ये सब कुछ आपने लिखना है। ठीक है, जब आप स्टेज 1 और 2 कहते हैं तो सर्जरी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी तो खासतौर पर 1, 2 और 3, ये 3 चीजों हैं, रेडियोथेरेपी जरूरी नहीं है। अच्छा, अब सर्जरी कौन सी हो सकती है? सर्जरी में एक सर्जरी का तरीका ये होता है कि आप ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करें, यानी कि जितना आपको ट्यूमर मिले, क्योंकि स्टेज 1 और 2 है तो ज़ाहिर है पूरी ब्रेस्ट में तो फैलावा नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली 5 सेंटीमीटर से छोटा ही होगा,
तो अगर जितना आपको ट्यूमर मिला है उस ट्यूमर को 2 सेंटीमीटर फ्री मार्जिन के साथ आप एक्साइज कर लें और बाकी ब्रेस्ट को अपनी जगह पर रहने दें। इसको हम कहते हैं ब्रेस्ट रिजर्वेशन सर्जरी। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें भी हमारे पास रिकरेंस के चांसेस रहते हैं और हमारी काफी ज्यादा देखा गया कि रिकर हो जाता है, इस वजह से हम इसको प्रेफर नहीं करते। और खास तौर पे ये तब नहीं करनी जब आपका ट्यूमर मल्टीफोकल हो, यानी ब्रेस्ट में मल्टीपल एरियाज को उसने इन्वॉल्व किया हो, निप्पल और एरियोला के कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पीछे पड़ा हो। उससे पहले रेडिएशन से या कीमोथेरेपी से या ही सर्जरी से पहले भी एक दफा कोशिश की जा चुकी हो ट्यूमर को रिमूव करने की और दोबारा रिकर किया है, तो कभी भी आपने ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी नहीं करनी, ठीक है। वैसे स्टैंडर्ड थेरेपी जो हमारे यहाँ दी जाती है वो मेस्टेक्टमी ही है, और मेस्टेक्टमी में भी आपकी MRM मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। तो आपके पास जब सिनेरियो आता होता है तो आपने ये चीजें नहीं लिखी होती, ये सिर्फ आपको मैं यहाँ पर थ्योरी के हिसाब से बता रही हूँ कि क्या क्या किया जा सकता है। आपके पास सिनेरियो में आपने लिखना ट्रीटमेंट जो स्टैंडर्ड है वो स्टेज 2 का मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी MRM देन फॉलोड बाय कीमोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी, ये होती है आपकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। मेस्टेक्टमी रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, सिंपल मेस्टेक्टमी में आपका रिमूव सारा का सारा, आप ब्रेस्ट टिश्यू को जब रिमूव कर देंगे उसकी स्किन, मतलब ब्रेस्ट टिश्यू तो बेसिकली आपका सारा फैट है ना, उसके ऊपर से आपने स्किन और निपल एरियोला सबको रिमूव करना है और ब्रेस्ट को रिमूव करना है, उसके लिए सिंपल मेस्टेक्टमी। एक्सटेंडेड में हम ये साथ कर देते हैं कि आपके जो लिम्फ नोड्स लेवल 1 पे थे, मैंने आपको दिखाया था ना कि ये आपका पेक्टोरलिस माइनर है, इसके लैटरली जो लिम्फ नोड्स है लेवल 1 है, तो सिंपल एक्सटेंडेड में हम ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं, स्किन को, उसके ऊपर से एरियोला को और लेवल 1 के नोड्स को, ठीक हो गया। अब मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी में हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रिमूव होता है। सारा ब्रेस्ट का टिश्यू रिमूव होगा, उसके ऊपर से स्किन विद निप्पल एंड एरियोला कॉम्प्लेक्स वो भी रिमूव हो जाएगा। उसके साथ साथ आपने एक्जिला में जाना है और एक्जिला का सारा फैट और फेशिया रिमूव कर देना, ताकि जो उसके नोड्स या लिम्फ नोड्स जितने हैं वो सारे वहां से रिमूव हो जाएं। फैट और फेशिया जब सारे रिमूव करेंगे सारे लिम्फ नोड्स निकलेंगे, और यहाँ पर आपके जो लेवल 1 और लेवल 2 के नोड्स हैं, यानी कि लैटरल टू द पेक्ट माइनर एंड बिहाइंड द पेक्ट माइनर, वो दोनों भी आपने रिमूव करने हैं। तो 4 स्टेप्स होते हैं इसके, मतलब आपने 4 में लिखना होता है कि सबसे पहले पूरा ब्रेस्ट विद फैट एंड ऑल द कंटेंट्स, उसके बाद स्किन ओवर इट एंड द निपल एंड एरियोला, उसके बाद एक्जिला एंड उसके बाद आपके जो लेवल 1 और 2 के लिम्फ नोड्स हैं। तो मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, इसी के स्टेप्स आपको आने चाहिए। उसके बाद एक और तरीका होता है हेलस्टेड रेडिकल मेस्टेक्टमी, इसमें आप और ज्यादा आगे चले जाते हैं, इसमें आप ये कहते हैं कि आप ब्रेस्ट के साथ नीचे से पेक्टोरलिस मेजर माइनर को भी रिमूव कर देते हैं, तीनों लेवल के लिम्फ नोड्स को रिमूव कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। पेक्ट माइनर और मेजर को रिमूव करेंगे तो पेशेंट के बहुत सारे फंक्शंस वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, इसलिए इसको हम अवॉइड करते हैं। अच्छा तरीका, बेहतरीन तरीका आपका MRM है, जिसमें रिकरेंस के चांसेस सबसे कम है और आपका जो पेशेंट का वो लाइफ क्वालिटी होगा सबसे ज्यादा इन्हांस होती है। सिंपल और एक्सटेंडेड सिंपल इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि इनमें आपके लिम्फ नोड्स रह जाते हैं, फिर से वही बात है कि लिम्फ नोड्स में जरा सी भी पॉजिटिविटी हुई मेलिग्नेंसी के तो कैंसर रिकर कर जाएगा, तो बेहतर होता है कि आप उनको रिमूव कर दें। तो MRM इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो आपने करना है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं कि पेशेंट को आपने जनरल एनेस्थीसिया देना होता है, आपने लिखने, आपसे बहुत ज्यादा पूछते हैं यही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। MRM आते हैं, उसके स्टेप्स पूछते हैं, एनेस्थीसिया आपने जनरल दे देंगे, पोजिशन पेशेंट को आप सुपाइन सीधा लिटाएंगे और हेड एंड को थोड़ा सा एलिवेट कर लेंगे, और जिस साइड की ब्रेस्ट होगी उस बाजू को आपने एबडक्शन में कर देना, ठीक है, क्योंकि जाहिर आपने एक जिला में भी काम करना है। उसके बाद आपने, अगर ये आपकी ब्रेस्ट है, ठीक है, तो ऐसे इलिप्टिकल सा इंसिजन देते हैं यूं करके, और ताकि 2 फ्लैप्स रेज होते हैं, एक फ्लैप आप ऊपर की तरफ रेज कर देते हैं इसका स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू का सारा फ्लैप रेज करेंगे क्लेविकल की तरफ, और जो नीचे आप इंसिजन देंगे इससे आप फ्लैप जो रेज करेंगे वो नीचे की तरफ सारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इतनी सी स्किन रह जाएगी इसको आप ब्रेस्ट के साथ ही एक्साइज कर लेते हैं, मतलब आपका आपने सपोज एक फ्लैप ऊपर वाली स्किन का उठा के ऊपर कर दिया, एक फ्लैप आपने नीचे वाली स्किन को उठा के नीचे रेक्टस एब्डोमिनस मसल तक कर दिया, अब आपका नीचे सारा फैटी टिश्यू आपको नजर आ गया, तो सारा का सारा फैट से बना हुआ है ब्रेस्ट का टिश्यू और ऊपर उसकी इतनी सी स्किन जुड़ी हुई रहेगी, तो आपने ब्रेस्ट सारी को रिमूव करें और उसके साथ ये स्किन जो जुड़ी हुई रहेगी ये भी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपने अगला स्टेप आ गया रेजिंग द फ्लैप्स, उसके बाद आपने ब्रेस्ट सारी रिमूव कर दी, ठीक है, जितनी की थी, और साथ उसकी एक्जिला टेल भी रिमूव कर दी। उसके बाद आपने जब ब्रेस्ट रिमूव कर दी उसके बाद आप एक्जिला में जाते हैं, एक्जिला के सारे फैट और फेशिया वगैरह सबको क्लियर करते हैं। यहाँ पर आपने बहुत ध्यान रखना होता है कि 2 नर्व्स आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कौन सी 2 नर्व्स जो आपने प्रिजर्व करनी है, एक आपकी नर्व होती है टू द लैटिसिमस डॉर्साई विच इज योर थ्रैकोडॉर्सल नर्व, ठीक है, लैटिसिमस डॉर्साई आपका बैक का मसल है, आपकी पूरी बैक उसने कवर की हुई होती है, और दूसरी नर्व होती है आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो सेरेटस इंटीरियर को जाती है, जो आपका टेढ़ा साइड पे मसल होता है, ठीक है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो ये दोनों नर्व्स एक्जिला से क्योंकि गुजरी होती है तो इनको बहुत ध्यान से आपने रखना, इनको आपने डैमेज नहीं करना, बहुत ज्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं, तो पेशेंट की बहुत सारी चीजें कोई बात है कुछ मूवमेंट्स उसकी खराब हो जाते हैं, लैटिसिमस डॉर्साई का फंक्शन लॉस हो जाएगा, सेरेटस इंटीरियर का लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। तो थ्रैकोडॉर्सल लॉन्ग थोरेसिक नर्व को बचाते हुए आपने एक्जिला को साफ कर दिया, और उसके बाद आपने सारी चीजों को 2 सेक्शन ड्रेन आपने बीच में डालने होते, ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद एक्जिला रिमूव करने के बाद 2 सेक्शन ड्रेन डालते हैं ताकि कोई जो भी निकले वो सब कुछ ड्रेन होता रहे, और उसके बाद आप स्किन को सूचर से क्लोज कर देते हैं। दिस इज योर, दीज आर योर स्टेप्स, बहुत सिंपल से आपको
कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके साथ हम कहते होते हैं, मैंने आपको एक दफा पहले बताया था कि हमने सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं ये देखने के लिए कि लिम्फ नोड्स को रिमूव करने की जरूरत है या नहीं। सेंटिनल लिम्फ नोड्स वाले लिम्फ, सेंटिनल का मतलब मैंने बताया था गार्ड होता है, वो चीज जो गार्ड कर रही है। तो पहला लिम्फ नोड जो लिम्फ को रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। उसकी बायोप्सी करना इसलिए जरूरी था कि हमें पता चल जाए कि क्या उसमें कैंसर गया या नहीं गया, क्योंकि वो पहला लिम्फ नोड होगा। अगर उसमें कैंसर गया तो इसका मतलब है कि हमें लिम्फ नोड्स को लाजमी रिमूव करना है। अगर उसमें कैंसर का निशान बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये कि हम अगर लिम्फ नोड छोड़ भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप ना एक ट्रेसर डाई इंजेक्ट करते हैं ब्रेस्ट के अंदर, ये बिफोर सर्जरी होता है, ठीक है, बिफोर सर्जरी आप ब्रेस्ट के अंदर एक ट्रेसर डाई इंजेक्ट करते हैं। या तो वो कलर्ड होती है डाई, या फिर ऐसी होती है कि उसमें से रेडिएशन इमिट होती है जो आप बाद में गैमा कैमरा से कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, दो तरह की हो सकती है। अब वो आप डाई डालते हैं, डाई लिम्फेटिक्स में एब्जॉर्ब होगी, लिम्फेटिक्स से सबसे पहले वो किसी एक लिम्फ नोड में जाएगी, आप देख रहे होते हैं जिस लिम्फ नोड में सबसे पहले जाएगा जिसमें वो कलर आएगा या वो रेडिएशन इमिट करेगा, तो आपको पता चल जाएगा सेंटिनल लिम्फ नोड है। उस लिम्फ नोड को आप बायोप्सी ले लें और चेक कर लें कि क्या उसमें मैलिग्नेंसी है या नहीं। अगर उसमें मैलिग्नेंसी है तो डेफिनेटली आपको रेडिकल मिस्टेक्टमी मतलब रेडिकल लिम्फ नोड्स एक्सीजन करनी है, सारे लिम्फ नोड्स रिमूव करने हैं एक्जिला के। अगर वहां पर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक हो गया, इस वजह से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, फिर आपकी जो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन आती है कोई मुश्किल सी नहीं है, लेकिन वो आपकी लिखी हुई वो आपने याद जरूर करनी है। हेमाटोमा सिरोमा बन सकता है, और आपका इंजरी टू थ्रेसिक ट्रैगेट ऑल्सर, इंजरी टू द लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, ये सारी बातें होती है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो आपसे फिर अगला सवाल ये पूछते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट किन किन चीजों से हो सकती है। तो आपके पास प्रोस्थेसिस है सिलिकॉन के, जो कि बिल्कुल इनर्ट मटेरियल होता है, उसकी उससे दोबारा ब्रेस्ट नई आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगवाई जाती है, सिलिकॉन प्रोस्थेसिस होते हैं। उसके अलावा कुछ फ्लैप्स होते हैं, हम लेटिसमस डोर्साई मसल से फ्लैप लेके ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल होगा, जाहिर उसका फंक्शन तो कोई नहीं होगा, सिर्फ एक जो कॉस्मेटिक अपेयरेंस है वो अच्छी है लेटिसमस डोर्साई से। या फिर आप ट्रांसवर्सेस एब्डोमिनस मसल है जो हमारा, उससे भी ले सकते हैं फ्लैप। तो मैं लिखने वाली बात है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, बस ये जरा सा आपसे कभी कोई पूछ लेते होते हैं, मेन चीज आपसे एमआरएम के स्टेप्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या चीज आती है, हमने कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हमने हर स्टेज वन और टू को जिसका साइज 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है उसको देनी होती है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा जिसका भी साइज है उसको हमने कीमोथेरेपी देनी है। और कीमोथेरेपी में सबसे अच्छा जो है वो आपका साइक्लोफोस्फामाइड है, मेथोट्रेक्सेट एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल, ठीक है, सीएमएफ है आपका जो सबसे अच्छा वो चल रहा है आपका रेजिमेंट, सीएमएफ ही उसको लिखते होते हैं आप, वो आप दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपको कीमोथेरेपी आपको बताइए, एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं जो जाके एक्ट करती हैं और सेल्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती हैं। हॉर्मोनल थेरेपी में आपके पास ये टेमोक्सिफेन बहुत अच्छी है, उसी तरह से उसका एक्शन मैंने आपको बताया था सर में एस्ट्रोजन के साथ जाके बाइंड कर देती है, लेकिन ईआर पॉजिटिव कैंसर में ही इसका रोल है, अगर कैंसर हर2 नहीं पॉजिटिव है तो इसका रोल नहीं है। फिर हम एक और ड्रग दे सकते हैं एरोमाटेज इनहिबिटर्स। एरोमाटेज इज एंजाइम जो जरूरत होता है एस्ट्रोजन हार्मोन बनने के लिए, तो एरोमाटेज इनहिबिटर ड्रग है एनेस्ट्राजोल, वो देंगे तो आपका हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होगा क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा जो एस्ट्रोजन को सिंथेसाइज कराता है, तो उससे भी आपका ईआर पॉजिटिव कैंसर्स में फायदा होता है, ठीक है, तो ये उसके लिए सारे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर स्टेज 3 डिजीज होती है तो उसकी ट्रीटमेंट इज कि आपने स्टेज 3 डिजीज में आपको साइज इज मोर देन 5 सेंटीमीटर एमआरएम करनी होती है, और उसके साथ एडजुवेंट कीमोथेरेपी, हम उसको कहते हैं कि आपने कीमोथेरेपी देनी है, रेडियोथेरेपी और हार्मोनोथेरेपी, ये सारा कुछ यही कुछ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और स्टेज 4 में सिर्फ पेलिएटिव ट्रीटमेंट होते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट को तब रिमूव करते हैं अगर आपने उसमें से कोई फंगेटिंग ग्रोथ है जो कि बहुत ज्यादा फैल रही है और कॉस्मेटिकली बहुत बुरी लग रही है, तो आप ब्रेस्ट पे से उसकी सर्जरी करते हैं, अदरवाइज आप कैंसर रिमूव करने का कोई फायदा नहीं होता, कैंसर बहुत फैल चुका होता है। और स्टेज 4 में आप हमेशा न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं, यानी पहले आप कीमोथेरेपी देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, फिर कीमोथेरेपी देते हैं। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, स्टेज 2 को आप याद रखने किसी कोई मसला, थैंक यू।